दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अलग अलग ड्यूरेशन पे कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है और कुछ समय पहले ही बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एफडी के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया है। तो क्या है लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट और क्या है उसकी कैलकुलेशन, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट वापस देखने को मिलेगा और क्यों आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 1 साल और 2 साल की एफडी नहीं ओपन करवानी चाहिए। अगर आप एफडी ओपन करवाने जा रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 1 साल और 2 साल की एफडी करवाने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो भी कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप खुद से कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 7 से लेकर 14 दिन की एफडी ओपन करवाने जाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3% का, और सीनियर सिटीज़न को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3.5% का। हम रिकमेंड नहीं करते हैं 180 दिन तक की आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी कभी भी ओपन नहीं करवानी चाहिए। किसी भी बैंक में एफडी ओपन करवाने जा रहे हैं तो 180 दिन से कम समय की एफडी कभी भी ओपन ना करवाएं, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है 2, 3, 4, 5% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और आपने उसको बीच में प्री मैच्योर क्लोज करवा दिया तो उस पर 1% की पेनल्टी और देखने को लग जाएगी, जो कि बहुत ही कम रिटर्न होगा। उतना तो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर अपने पैसे के ऊपर मिल जाएगा। तो 180 दिन से कम समय की एफडी कहीं भी ओपन ना करवाएं। फिर भी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 15 से 45 दिन पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, सीनियर सिटीजन को 4% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 46 से लेकर 90 दिन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5% और 5.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं 91 से लेकर के 180 दिन पर भी सेम इंटरेस्ट रेट है, यानी कि 5% और 5.5% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 181 से लेकर 210 दिन की एफडी की, तो यहाँ पर आपको 5.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीज़न को 0.5% एक्स्ट्रा मिलता है तो सीनियर सिटीज़न का हो जाएगा 6% का इंटरेस्ट रेट। उसी के साथ बात करते हैं 211 दिन से लेकर के 270 दिन की एफडी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी में ओपन करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6% का, और सीनियर सिटीज़न को इंटरेस्ट मिल जाएगा 6.5% का, यानी कि 6.5% का। उसके बाद में बात करते हैं 271 दिन से लेकर के लेस देन 1 ईयर यानी कि 1 साल से कम समय तक के लिए, तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6.25% का, 6.25%, और सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिल जाएगा 6.75% का, यानी कि 6.75%। तो ये तो बात हो गई 1 साल से कम समय तक के लिए। अब बात करते हैं 1 साल से लेकर के 2 साल तक के लिए, यानी कि 1 साल भी इंक्लूड होगा और उसमें 2 साल भी इंक्लूड होगा, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6.75% का, और सीनियर सिटीज़न को इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 7.25% का। अब देखिए, अगर आपको 2 साल की एफडी ओपन करवानी है तो आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 7.25% का, लेकिन मैंने आपको बोला था 2 साल की एफडी आपको नहीं करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 साल और 1 दिन की भी अगर आप एफडी करवाते हैं तो वो काउंट हो जाता है 2 साल से लेकर 3 साल वाले ड्यूरेशन के बीच में, और आपको उसका इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो इंटरेस्ट रेट है 7.25% का, यानी कि 0.5% का इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और सीनियर सिटीज़न को इंटरेस्ट मिल जाएगा 7.75% यानी कि 7.75% का। तो अगर आप 2 साल की एफडी करवाने जा रहे हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा एफडी करवाएंगे जिससे कि आपको 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, जो कि 1 लाख रुपए की आप कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ बात करते हैं 3 साल से भी ज़्यादा समय की एफडी आप करवाना चाहते हैं 5 साल तक के लिए 3 साल से लेकर के, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 6.5% का, और अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, नहीं भी है तो आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसके नाम से भी आप एफडी ओपन करवा सकते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 7.15% तक का। तो ये तो बात हो गई 5 साल तक के लिए एफडी के इंटरेस्ट रेट की। अब बात करते हैं 5 साल से लेकर के 10 साल तक के लिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 6.5% का, और सीनियर सिटीज़न को इंटरेस्ट मिल जाएगा 7.5% का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं लंबे समय की तो आप 5 से 10 साल वाला टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं, और सीनियर सिटीज़न को यहाँ पे 7.5% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और वहीं आप 2-3 साल के लिए एफडी देख रहे हैं तो आपको 2 से लेकर 3 साल वाला टेन्योर सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जहां पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और सीनियर सिटीज़न को 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में ही इंक्रीज़ किया गया है। ये लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है, इससे पहले ये इंटरेस्ट रेट 7.5% का ही मिलता था आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर सबसे ज़्यादा।
और यहाँ पर एक स्पेशल एफडी चलती है 399 दिन की, बड़ौदा तिरंगा प्लस, जहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो मिलता है 7.15% का, और सीनियर सिटीज़न को इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.65% का। तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 2 से 3 साल वाली एफडी पर तो आपको 7.5% मिलता था, और यहाँ पर स्पेशल एफडी में मिलता था सबसे ज़्यादा 7.65% सीनियर सिटीज़न को। लेकिन अब 2 से 3 साल वाली एफडी का ड्यूरेशन जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप 2 से 3 साल के बीच में कहीं भी एफडी ओपन करवा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की और कैलकुलेटर की। तो देखिए 7, 10, 15, 20 दिन की एफडी की तो बात नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 180 दिन की। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट बताया था 5%, सीनियर सिटीज़न को 5.5%। तो यहाँ पर अगर आप 1,00,000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको लगभग 2,500 रुपये मैच्योरिटी पर मिल जाएंगे, यानी कि 1,02,500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 250 रुपये आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, 1,02,750 रुपये के आसपास का अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 1 साल के लिए। तो 1 साल का जो आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट बताया वो था 6.75%। तो यहाँ पर आपको 1 साल के बाद में मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 1,06,925 रुपये के आसपास, यानी कि आप 1,00,000 रुपये अगर एफडी जमा करवाते हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा 1,07,450 रुपये। वहीं बात करते हैं 2 साल की। तो जैसा कि आपको बताया 2 साल की एफडी नहीं करवानी है, आपको करवानी है 2 साल और 1 दिन की एफडी। तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा 7.25% का इंटरेस्ट रेट जो होता है 7.25, यानी कि आपको 2 साल के बाद में आपको पूरा पैसा मिलेगा 1,15,450 रुपये के आसपास का। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 7.75% का भी इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा और वो हो जाएगा 1,16,593 रुपये। तो यही बात करते हैं आपको 1 साल की एफडी क्यों नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि 399 दिन की जो एफडी है वहाँ पर आपको कुल लगभग 13 महीने के लिए पैसा जमा करवाना है। अगर आप 12 महीने के लिए पैसा जमा करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 6.75, और 399 दिन के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7.15% का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लियर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, 1 महीना एक्स्ट्रा करवाएंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ बात करते हैं 5 साल की। अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.5% का, यानी कि आप 1,00,000 रुपये जमा करवाते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा 1,38,000 रुपये के अराउंड। और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 7.15% का, और आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 44,000 से भी ज़्यादा का। वहीं बात करें 7.5% की, यानी कि अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और 10 साल के लिए पैसा जमा करवा देते हैं तो आपको जो पैसा है वो डबल से भी ज़्यादा होकर के वापस मिल जाएगा 10 साल के अंदर, यानी कि 1,00,000 रुपये अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको 2,10,000 रुपये से भी ज़्यादा अमाउंट वापस मिल जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट आपको स्क्रीन पर टाइम टू टाइम दिख गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी टाइप का वीडियो हमने SBI के ऊपर यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी बना रखा है, उसका वीडियो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।